नमस्कार, मॉन्स्टर नाम से मूवी आई है, इसका रिव्यू लेकर हाजिर हूँ मैं फिर से। पहली बात तो मूवी का नाम मॉन्स्टर है, बाकी ये फिल्म जो चाइल्ड अब्यूज है उसको ध्यान में रख के बनाई गई है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक को मतलब उन्होंने छूने की कोशिश की है पिक्चर में। चाइल्ड अब्यूज होता है, वुमन एम्पावरमेंट होता है, उसके अलावा जो होमोसेक्सुअल जो रोमांस है ना उसकी बात की गई है। जो मतलब ऐसे सेंसिटिव टॉपिक है ना उनको छूने की कोशिश की है पिक्चर में, बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत वे में। ये मूवी पिछले साल जापान में रिलीज हुई थी गर्मियों के टाइम पे, और यहाँ इंडिया में आते आते इसको मतलब अब सर्दियों का टाइम हो गया, तब जाके अब यहाँ रिलीज़ हुई है, और वो भी डब वर्जन में आपको अभी भी नहीं मिलेगी। इतने टाइम में जिन लोगों को देखनी होती है ना वो इंटरनेट पे तमाम इधर उधर से प्लेटफॉर्म वगैरह जुगाड़ के कहीं ना कहीं से देख ही लेते हैं। इंडिया के लोग वैसे ही बहुत टैलेंटेड है इस मामले में, पायरेसी में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। इस पिक्चर के साथ में एक दिक्कत है, एक बहुत बड़ी दिक्कत कि मतलब जापानी लैंग्वेज जो है ना उसमें ये बनी है जापानी भाषा में, और आपको देखनी है ये ओरिजिनल पिक्चर इंग्लिश सबटाइटल के साथ में। अब आपको सबटाइटल वाली जो पिक्चर है ना वो देखने का एक्सपीरियंस है तो ये आपको समझ में आ जाएगी। अब इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में जब मूवी देखते हैं ना तो उसमें ये कलाकारी आपको करनी पड़ती है कि जो आपकी आंखें हैं ना वो आपको सीन पे भी रखनी होती हैं, उसके अलावा सबटाइटल साथ में पढ़ने होते हैं तभी आपको पूरा सीन समझ में आता है, मतलब आधी नज़र सीन पे आधी सबटाइटल्स पे। इसमें स्टोरी है, एक सिंगल मदर होती है, उसका बेटा होता है मतलब 5th क्लास में है, छोटा ही है। चाइल्ड अब्यूज जो होता है, बच्चों का मतलब शोषण होता है अलग अलग तरीक़ों से, उसके बारे में बात की गई है। उसके अलावा जो नारी शक्ति जिसे बोलते हैं वुमन एम्पावरमेंट, उसकी बात की गई है। होमोसेक्सुअल जो लोग होते हैं ना उनके रोमांस को लेके आजकल तो बहुत कुछ बनने लग गया, वेब सीरीज़ फिल्में वगैरह आप देखते ही होंगे, उस पर बात की गई है। फिल्म में जो पॉजिटिव है ना उसकी बात करूँ तो सबसे पहले एक्टिंग डिपार्टमेंट में पूरी पिक्चर रिच है, सारे एक्टर्स ने एक से बढ़ के एक काम किया है, और जो सबसे छोटा एक्टर है वो बच्चा, उसने सबसे बढ़िया काम किया पिक्चर में 10 साल की एज में। वो जो चाइल्ड आर्टिस्ट है उनका नाम है सोया कुरोकावा, मतलब तारीफ के काबिल काम किया उस बच्चे ने। 10 साल की एज में जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, लेजेंड्स, उनके जैसे एक्सप्रेशन दिए उसने, कुछ भी याद नहीं रहेगा वो पिक्चर में, बस उसकी परफॉर्मेंस याद रह जाती बस। बाकी जो साइड एक्टर्स हैं, साइड एक्टर्स बहुत सारे हैं अलग अलग रोल्स में, उन सब ने बढ़िया सपोर्ट दिया है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना उनमें सिर्फ वो बच्चा ही ध्यान रह जाता है एंड में। जिनका माँ का रोल है या एक टीचर भी है वो टीचर का रोल है, जितने भी एक्टर्स हैं ना सब ने A1 काम किया एक्टिंग के मामले में। बाकी टेक्निकली फिल्म वेल मेड है, वन टाइम वॉच है, आप एक बार तो कम से कम टाइम दे ही सकते हो अगर सबटाइटल्स के साथ में आपको दिक्कत नहीं आए तो। बाकी डब होने के बाद में जब आएगी मैं आपको बता दूंगा। छोटे बच्चों को लेके वैसे भी फिल्में मतलब कोई सी भी कंट्री हुई कम ही बनती हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत कम बनती हैं, तो ऐसी फिल्में अगर बनती है ना तो उन्हें मौका देना चाहिए, वो भी थिएटर्स में जाके। आप इसे एक बार टाइम दे सकते हो, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ और रिव्यूज़ आपको आगे भी मिल सकें, अपडेट्स मिल सकें। धन्यवाद।